हिंदू बेहतर है, जाहिर सी बात है, अंग्रेजों ने तुम्हारे ऊपर बहुत हुकूमत की है, तो ये सुपर पावर भी अगर ये आपस में मिल जाए तो सुपर पावर बन सकते हैं। इंडिया का अलहदा कल्चर है सारा और पाकिस्तान का अलहदा कल्चर है, दैट्स व्हाई अब तब तो हमने चेंज किया था ना, तभी तो ये हुआ था। भाई मैं ये कहना चाहूंगा कि जूनागढ़ रियासत पाकिस्तान हिंदुस्तान बनने से पहले ये हमारे साथ ऐड होना चाहती थी। बिल्कुल, इंडियन हमारा नेबरहुड है इसलिए बेटर है, वो थोड़े से यहाँ से चले गए हैं तो इस तरह से अपना वारम के साथ बाउंड्रीज भी नहीं है सच। देखिए उनकी एक पॉलिसी है जो डिवाइडर जी हम पर जो है ना वो काबिज ही रहे हैं, अभी तक काबिज ही है वो क्या हो गया तुम्हें ये पढ़ा नहीं बोर से ये क्या लिखा है। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जितने भी क्लैशेस हैं वो सब दूर हो सकते हैं अगर अमेरिका चाहे या ब्रिटिश चाहे। अस्सलाम वालेकुम जी, उठो पाकिस्तान के सेगमेंट के साथ आपका होस्ट हमजा शाही राणा हाजिर है। नाज़रीन इस वक्त मैं मौजूद हूँ, आपको पता है जैन मंदिर के पास अनारकली स्टेशन के पास। इस वक्त मैं लोगों से आज एक सवाल करूंगा हिंदुस्तान पाकिस्तान के हवाले से कि हमारे दरमियान जो एक नफरत का एलिमेंट है वो एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा हुआ है, लेकिन इसको फैलाने वाले जो है वो आज हमारे आइडियल है, आज हमारे हम उनसे मोटिवेशन लेते हैं। तो आज मेरे पास एक पिक्चर है, उसको मैं शो करके आपको दिखाऊंगा, लोगों से उस पर उनका रिएक्शन लूंगा, उनसे पूछूंगा कि उस पिक्चर से वाले उनका क्या ख्याल है और हिंदू और अंग्रेज में उनकी क्या मतलब जो एक मैं तकाबली जायजा करूंगा इंडियंस और ब्रिटिश के दरमियान, उसके बारे में पाकिस्तानी लोगों का क्या इजहार ख्याल है। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर आप? ठीक है अल्लाह का शुक्र। आप सर आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, प्री पार्टीशन का ये बिल बोर्ड है इसको जरा पढ़े, इसके ऊपर पूरा क्या लिखा हुआ है? इसके ऊपर लिखा हुआ है रॉयल शिमला क्लब, नॉट डॉग्स और इंडियंस। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि ये हिंदुस्तान के क्लब का नाम है रॉयल और वहां पे ब्रिटिश के दौर में लिखा होता था, आज भी उसमें मेंशन है कि हिंदुस्तानी जिसमें मुसलमान सिख सब आते थे, तब पाकिस्तान तो नहीं था। बिल्कुल सब इकट्ठे थे, तो ये अलाउ नहीं है। आप मुझे बताएं आपकी नजर में हिंदू बेहतर है या अंग्रेज बेहतर? इस हवाले से अंग्रेज बेहतर है। अंग्रेज बेहतर? हाँ जी। उसकी वजह तो आप डॉग कह रहे को मसलन, हम भी तो थे ना उस वक्त हिंदुस्तानी थे, तो वो ठीक है। अब वो कह रहे हैं उनकी अपनी जुबान है, हम भी अंग्रेजों को कहते हैं यार ये इस तरह की है, गलत है या इस तरह की, मतलब आप हर बंदे की अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी नेचर है, जिस तरह के अंदाज से मर्जी समझे। इस लिहाज से आप हिंदुस्तानियों को अच्छा नहीं समझते? ठीक है, वो हिंदुस्तान हिंदू है वो अपनी जगह है, अंग्रेज है अपनी जगह, हम मुसलमान है, पाकिस्तानी है, पाकिस्तान ने कलमे की बुनियाद पर वजूद में है। लेकिन उस वक्त तो ये सारी कौमें एक थी ना जिस वक्त ये पिक्चर, लेकिन एक थी, लेकिन मुसलमान भी तो थे ना, मुसलमान भी थे ना, तब तो अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लम पर कुरान पाक नाजिल किया हुआ था ना, ये तो आज से 70 साल पहले की बात है। अब आपके नजदीक अंग्रेज बेहतर? अब मेरे नजदीक अंग्रेज बेहतर है, हालांकि वो जिस तरह की मर्जी है, नॉन मुस्लिम है, इंडिया भी वाले ठीक है काफी हद तक बेहतर है, लेकिन अंग्रेज बेहतर है। सर आपसे एक छोटा सा रिएक्शन लेना है। ओके, ये पिक्चर पढ़ो जरा, ये क्या लिखा? रॉयल शिमला क्लब, डॉग्स और इंडियंस, नंबर वन, नो डॉग्स और इंडियंस। पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आपके नजदीक अंग्रेज बेहतर है या हिंदू? मेरे नजदीक अंग्रेज ज्यादा बेहतर है। अंग्रेज ज्यादा बेहतर है? दोबारा पढ़े। रॉयल शिमला क्लब, नो डॉग्स और इंडियंस। अच्छा यस, अब मुझे बताओ अंग्रेज बेहतर है? नो नो नो, इस मामले में नहीं है। अगर प्री पार्टीशन को देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग अंग्रेज बेहतर नहीं है, लेकिन अगर मैं देखूं कि अब मैं आज के मुताबिक अगर बात करता हूं, मैं यूरोपियन कल्चर की बात करता हूं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना मुझे लगता है कि अंग्रेज अब बेहतर है एज अ डेवलपमेंट, नॉट एज अ के हम लोग कहेंगे जी कि वो हमारे पे जुल्म करते थे पहले, क्योंकि वो उस टाइम उनका टाइम था कि वो यहाँ पे हुकूमत कर रहे थे। अब अगर उनकी कंट्रीज में जाके देखा जाए तो उनके वहां पर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस इंप्लीमेंटेशन होती है उसकी वो यहाँ से बेहतर है। हिंदू नहीं बेहतर? हिंदू नहीं, हिंदू नहीं बेहतर। आपके हम नस्ल है? हम नस्ल है चाहे, लेकिन वो बेहतर इसलिए नहीं है क्योंकि अब मैं जितना भी सोशल मीडिया में इस्तेमाल करता हूँ उसके ऊपर मैं जो भी देखता हूँ उनके मुस्लिम्स के अगेंस्ट और अंग्रेजों के अगेंस्ट जो है वो खिलाफ ही जा रहे होते हैं, वो इतना ट्रोल करते हैं हम लोगों को और हम लोग फिर भी कहते हैं कि वो लोग बेहतर है, जबकि हम लोग हम चाहते हैं कि हम अगर इंडियंस के साथ अपना ठीक करना चाहे अपने जो हमारे मामला है उनके साथ वो ठीक होने चाहिए, लेकिन वो उनको नहीं चाहते कि वो ठीक हो। हजार साल रहे हैं हिंदुओं के साथ, रहे हैं एज अ एम्प्रेयर, रहे यस रहे हैं यस, फिर किस तरह रह लिए? अगर हजार साल आप किसी के साथ रह सकते हैं, आपको नहीं लगता अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल किया? बिल्कुल किया उन्होंने हमारे साथ। मैं भी एक छोटी सी पिक्चर है इसके ऊपर लिखा हुआ है रॉयल शिमला क्लब, और ये इंडिया में शिमला एक जगह है, ठीक है, और उसके नीचे लिखा हुआ है नो डॉग्स और इंडियंस आर अलाउड।
तो इसके ऊपर आपसे पूछना था, आपके नजदीक हिंदू बेहतर है या अंग्रेज बेहतर? हमारे लिए तो कोई भी बेहतर नहीं है, ना अंग्रेज है ना हिंदू बेहतर है, मुसलमान ही हम सही है बस जो भी है। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल। नहीं मतलब इसके अंदर अंग्रेजों ने उस वक्त हिंदुस्तान एक ही था जिस वक्त की ये पिक्चर है, तो उस वक्त उन्होंने हम सबको मुखातिब करके अल्लाह माफ करे एक जानवर से तशबीह दी है, तो आपको नहीं लगता कि हमारे हिंदुस्तान से ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए? हाँ सही है, वो भी सही है, हिंदू भी सही है, लेकिन हमारे लिए तो कोई भी सही नहीं है ना, हम तो सिर्फ। सर ये पिक्चर में क्या लिखा जरा गौर से पढ़े। रॉयल शिमला क्लब नॉट डॉग्स और इंडियंस आर अलाउड। ठीक है, इस हवाले से क्वेश्चन है, ये पिक्चर है इंडिया के शिमला क्लब की, ठीक है, गोरों के दौर की, लिखा हुआ इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। अब आपसे क्वेश्चन है, हिंदू बेहतर है या अंग्रेज? दोनों ही बेहतर नहीं है, दोनों ही बेहतर नहीं। अच्छा, उसकी वजह मतलब अभी आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाह रहे हैं? मैं पॉइंट ऑफ व्यू प्री हिस्टोरिक एरा, इसीलिए आपसे पूछा ना, ये हिस्ट्री की पिक्चर है ना, आप समझ रहे, जब पाकिस्तान इंडिया एक था तो इंडियंस हम सब भी थे उस वक्त। एग्जैक्टली, सो उन हमें चलाने वाले भी तो वही थे जो अंग्रेज हैं। सो मेरा ख्याल है कि अगर बेहतरी की बात करें, सो इंडियंस आर लाइक बेहतर, इंडियंस आर बेहतर। या आपके एटलीस्ट हम नस्ल तो थे ना, सेम कास्ट थी, हिंदू मुस्लिम एक ही नस्ल है, बिल्कुल ऐसे ही है। सो इसलिए आप इंडियंस का पूछ रहे हैं, आप नॉट मुस्लिम एंड हिंदू का पूछ रहे हैं, इंडियंस और ब्रिटिश का पूछ। सो जो हिंदू थे मतलब जो इंडियंस थे दे वर बेटर। या मैं आपसे एक बात पूछूं, या हमें बांटा किसने? अंग्रेजों ने। तो फिर रियल एनिमी कौन हुआ? दोनों कैसे? मतलब उनकी एक साजिश थी हम दोनों को अलहदा करने की, ठीक है, तो वो तो अच्छा हुआ कि हम लोग अलहदा हो चुके हैं। मतलब एक तो बहुत वी आर थैंकफुल टू अवर कायद जिनकी वजह से हम लोग अलहदा हो चुके हैं। अगर 1000 साल हम इकट्ठे रहे हैं, आपको पता ना काजम हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे बिलीव करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही क्यों रखते? क्योंकि उनमें वो इत्तेहाद देखना चाह रहे थे मुसलमानों की, अगर वहां भी होते तो वो एक अलहदा उनकी आजादी देखना चाह रहे थे वहां पर रहे कि भी अगर 1000 साल साथ रहे, बिल्कुल रहे, क्यों रहे? अगर हमारे इतने इख्तलाफ होते तो हम 1000 साल इकट्ठे रह सकते? नहीं नहीं, इसका मतलब है कोई तो माइंडसेट है ना पीछे जिसने हमें अलहदा करके इस पूरे खत्ते की ताकत को तोड़ा। ऐसे ही है, रॉयल शिमला क्लब डॉग्स एंड इंडियन नॉट अलाउड। अब आप मुझे ये बताएं, अंग्रेज बेहतर है या हिंदू? हिंदू बेहतर है, जाहिर सी बात है, अंग्रेजों ने तुम्हारे ऊपर बहुत हुकूमत की है, तो ये सुपर पावर भी अगर ये आपस में मिल जाए तो सुपर पावर बन सकते हैं, पाकिस्तान इंडिया, इंडियन भी हमारे भाई हैं, कोई इसमें नहीं है, बस सियासतदानों ने ये सारा कुछ खराब किया हुआ, बाकी तो ये सारे सेम ही है। आप मुझे एक चीज बताएं, अंग्रेजों ने बीच में लाइन खींची, जी जी, हमें डिवाइड कर गए, जी जी, ऐसी, और हम उन्हें ग्लैमराइज करी जाते हैं। हाँ कर रहे हैं, पर इन्हें चाहिए ना, इंडियन और पाकिस्तान दोनों को चाहिए कि ये लाइन को हटाए, जो हमारे आपस में इन्होंने जो दिलों में जो मैल डाली हुई है ना उसे खत्म करें। इसे इन्हें चाहिए कि आपस में, हम दोनों भाई हैं, आपस में मिलकर रहना चाहिए, और इन्हें अंग्रेजों को बताना चाहिए कि हम सुपर पावर है, हमसे आगे कोई नहीं है। सर ये क्या लिखा हुआ पढ़े जरा। रॉयल शिमला क्लब नो डॉग्स और इंडियंस। आपसे क्वेश्चन है, ब्रिटिश आर बेटर और इंडियंस? ये प्री पावर प्री पार्टीशन पिक्चर। इंडियंस 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 रीजन। इंडियन हमारा नेबरहुड है इसलिए बेटर है, वो थोड़े से यहाँ से चले गए हैं, तो इस वजह से अपना हमारे उनके साथ कोई बाउंड्रीज भी नहीं है सच, इस वजह से इंडियंस बेहतर है हमारे साथ, उनका नेबरहुड है, बड़ा बॉर्डर हमारे साथ नहीं करता है, तो वो बेहतर है। यार आपसे एक क्वेश्चन है, ये पिक्चर ना पार्टीशन से पहले की है, हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने से पहले की, जब ये सारा हिंदुस्तान था ये तब की है, ये पढ़े जरा क्या लिखा। रॉयल शिमला क्लब नो डॉग्स और इंडियंस आर अलाउड। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? कि कुत्ते और हिंदुस्तानी अलाउ नहीं है, बिल्कुल ये लिखा। अब आपसे क्वेश्चन है, ब्रिटिश गोरे बेहतर है या हिंदुस्तानी बेहतर? तकरीबन हिंदुस्तानी। तकरीबन हिंदुस्तानी, ये क्या मतलब हुआ? ये कि गोरे तो बिल्कुल नापसंद हमारे खिलाफ है, तो हमारे हिंदुस्तान के लोग बेहतर है, हिंदुस्तानी लोग बेहतर है, गोरों से बेहतर है। वजह यही है कि हमारे माजी में तकरीबन एक साथ थे, हमारे साथ सेम लोग थे, तो अगर समझा जाए तो आज भी सेम लोग हैं, लेकिन ये गोरों की वजह से जो पार्टीशन चल रही है मतलब 75 साल से। आपको नहीं लगता इससे हमारा पोटेंशियल जो है वो सारा जाया हो गया दोनों उस मुल्कों का? बहुत जाया हुआ, क्योंकि गोरों के आने से पहले तकरीबन सब सेम चल रहा था, एक साथ चल रहा था, दोनों तरक्की की है, लेकिन जब से गोरों ने यहाँ पे कदम रखे ना तब से हमारा पार्टीशन सब अलग हो गया। सर काइंडली रीड दिस पिक्चर। जी जी मैं बताया था आपको, रॉयल शिमला क्लब
नो डॉग्स और इंडियंस आर अलाउड। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, ब्रिटिश मित्र है या इंडियन मित्र? इंडियन मित्र है। इंडियन मित्र है जी। आप मुझे एक चीज बताए, आपको नहीं लगता कि ब्रिटिश ने लाइन खींच के आपको और हमारा पोटेंशियल बहुत बर्बाद किया? इस खत्ते का पोटेंशियल, ये तो बेहतर हुआ इस्लामी मुल्क कंट्री बन गई, नहीं तो वहाँ पे हिंदू और मुस्लिम का फसाद ही रहना था। हजार साल से हम इकट्ठे थे, फसाद क्यों नहीं डाला? सौ साल में ऐसा क्या किया गोरों ने के फसाद डाले? देखे उनकी एक पॉलिसी है जो डिवाइडर जी, हम पर जो है ना वो काबिज ही रहे, अभी तक काबिज ही है वो। इंडिया पे भी, पाकिस्तान पर भी, और एशिया के काफी कंट्रीज हैं जहाँ पे वो हम पे काबिज ही रहे। डू यू थिंक पाकिस्तान इंडिया को अब कुछ हालात अपने आपस में बेहतर करने चाहिए? जी करने चाहिए, बेहतर है। हमारा जो है ये खिता एक ही है, हमारा एक यूरोपियन यूनियन की तरह होना चाहिए, जिसमें हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, जिससे हमें मुल्की मुफाद के लिए हमें कुछ करना चाहिए चीज के लिए, क्योंकि दुश्मनी तो हल नहीं है किसी की। दुश्मनी नहीं, ये तो एक डायलॉग से ही हमारा मसला हल होगा, लड़ाई से तो कोई हल नहीं होता मसला। तुम देना चाहेंगे मैसेज अपने जैसे हिंदुस्तानी लोगों को? देखें अगर जो मुस्लिम और हिंदू का देखें जाए तो अगर जो हम अगर जो इकट्ठे रहें और मिलजुल के काम करें तो दोनों मुल्क के लिए फायदा है, अगर जो लड़ते रहेंगे इसी तरीके से तो इस तरह तो फिर गोरे ही फायदे रहेंगे जी। सर ये पढ़े क्या लिखा हुआ है बगौर? रॉयल शिमला क्लब, डॉग्स नो डॉग्स और इंडियंस आर अलाउड। आप मुझे बताएं हिंदू बेहतर है कि अंग्रेज? अंग्रेज। क्या हो गया तुम्हें, ये पढ़ा नहीं बाहर से? ये क्या लिखा है? रॉयल शिमला क्लब नो डॉग्स और इंडियंस आर नॉट अलाउड। पाकिस्तान बनने से पहले हिंदुस्तान थे हम भी हिंदुस्तानी, उन्होंने हमें लिखा कुत्ते और हिंदुस्तानी अलाउ नहीं है। आप कह रहे हो अंग्रेज बेहतर? नहीं किया गौर नहीं किया। अब बताओ कौन बेहतर? इंडियन। इंडियन पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए? होने चाहिए। बॉर्डर अगर आपको लगता है अंग्रेजों ने एक लाइन खींच के हमें अलहदा कर दी? लगता। मैसेज देना चाहोगे हिंदुस्तान को? हिंदुस्तान को यही मैसेज देना चाहूंगा कि इकट्ठे रहें मुसलमान और हिंदू भाई आपस में, तो लड़ाइयों ना करें, खत्म करें सबको। रॉयल शिमला क्लब नो डॉग्स और इंडियंस, ठीक है। अच्छा ये पिक्चर क्या अकासी करी है? गोरे बैठे हैं जी और ये हिंदुस्तानी क्या कर रहे हैं? उनकी सेवा कर, ठीक। अब बताए हिंदुस्तानी बेहतर है या गोरे बेहतर? हिंदुस्तानी। या अल्लाह तेरा शुक्र है, अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ जी। आप मुझे बताएं क्या ये लकीर खींच के हमारे खत्ते का पोटेंशियल ही खराब किया गया जो हमारी ताकत ये किया गया? आपको लगता है कि हम हिंदुस्तान से ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए? जी करने चाहिए। तो मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो नहीं है भाई, यही है कि जो जब पार्टीशन नहीं हुई थी जो हमारे बाप दादा थे वो सब एक साथ ही रहते थे, वही हमारा कल्चर है जो इंडिया का है। बेसिकली आप पंजाब की तरफ देख लें, पार्टीशन होनी नहीं चाहिए थी, अच्छे ताल्लुकात कायम करने चाहिए। मेरा मैम आपसे एक क्वेश्चन है, ये पिक्चर जरा पढ़े, प्री पार्टीशन पिक्चर है, इसमें क्या लिखा है? शिमला क्लब डॉग्स और इंडियंस। आपको क्या लगता है ब्रिटिशर्स आर द बेटर और इंडियंस आर द बेटर? आई गेस सो, नेवर आर बेटर देन ब्रिटिश। अच्छा मुझे लास्ट में ये बताएं क्या वजह है, आपको नहीं लगता हमें डिवाइड करके हमारे पोटेंशियल को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ? एग्जैक्टली ऐसा हुआ है, सब कॉन्टिनेंट को डिवाइड करके ऐसा हो सकता है, क्योंकि जब अंग्रेजों ने शुरू से ही सब पे हुकूमत की है और पाकिस्तान भी हमें उनकी मार कुटाई और लूट के बाद ही मिला था, और इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जितने भी क्लैशेस हैं वो सब दूर हो सकते हैं अगर अमेरिका चाहे या ब्रिटिश चाहे तो। अगर हम खुद चाहें तो नहीं हो सकते? खुद चाहें तो हो सकते हैं, लेकिन वो चाहें तो हम चाहेंगे ना, उनके कहे बगैर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैम ये क्या लिखा था? रॉयल शिमला क्लब नो डॉग्स और इंडियंस। अच्छा अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये प्री पार्टीशन पिक्चर है पाकिस्तान इंडिया बनने से पहले जब ये सारा एरिया इंडिया था, आर ब्रिटिशर्स आर द बेटर और इंडियंस? इंडियंस। शुक्र है, काफी टाइम बाद हमें अक्सर लोगों ने कहा ब्रिटिशर्स। अच्छा आपको नहीं लगता कि ये ब्रिटिश ने लाइन खींच के हमारे जो पूरे ये सब कॉन्टिनेंट का पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा वीक किया? ऑब्वियस ही बात है कि ब्रिटिश ने रूल आउट करके इंडिया को हमारा किया। आपको लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो हालात है ये बेटर होंगे तो ये टोटल जो हमारा रीजन है इसकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी और लोग मतलब एक तरह से बेहतरी की तरफ जाएंगे? कभी भी नहीं। कभी भी नहीं क्यों? इंडिया का लहदा कल्चर है सारा और पाकिस्तान का लहदा कल्चर है, दैट्स व्हाई तब तो हमने चेंज किया था ना, तभी तो ये हुआ था। कल्चरल क्लैश नहीं था वो, रिलीजियस क्लैश, वही कल्चरल रिलीजियस सेम थे। इसने क्रिएट किया ब्रिटिश ने किया था। तो आपसे मैं मेरा ये क्वेश्चन है, आपने जब कहा इंडियंस बेहतर है तो ऑब्वियसली हम लोग सेम रेस के हैं, हम लोग ज्यादा बेटर गोरों के साथ रह सकते हैं कि हिंदुओं के साथ रह सकते?
हिंदुओं के साथ। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे ब्रदर, क्या रियासत का कह रहे थे? भाई मैं जूनागढ़ रियासत का बताना चाहता हूँ। जी जी बताया भाई, मैं ये कहना चाहूंगा कि जूनागढ़ रियासत पाकिस्तान हिंदुस्तान बनने से पहले ये हमारे साथ ऐड होना चाहती थी, इल्हाक होना चाहती, बिल्कुल। मगर ये है कि इनके खिलाफ ऐसी तहरीक चलाई गई, इनको मजबूर करके अपने साथ इसको शामिल कर लिया गया। ये मुसलमान रियासत थी, जो इनके नवाब थे ना वो भी मुसलमान थे, और लोग सर इल्हाक करना चाहते थे। कुछ इस तरह की रियासतें हैं, उनकी अभी डेथ हुई है। जहांगीर खान जी उनका नाम था जी, जो जूनागढ़ के नवाब थे उनका नाम था जहांगीर खान जी। जी बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई अगर ये इस तरह के इख्तलाफ ना पैदा होते, अगर इनके खिलाफ दड़ाल ना पैदा की जाती, इंडिया की बेशुमार रियासतें थी जो हमारे साथ ऐड होना चाहती थी, और जूनागढ़ रियासत को मजबूर करके अपने साथ शामिल कर लिया गया। जी नाजरीन, जिस तरह आपने देखा उठो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे, जो आज हमारा एक बड़ा इंटरेस्टिंग शो था इस हवाले से कि हमने एक प्री हिस्टोरिक पिक्चर के बारे में लोगों से फैक्ट्स एंड फिगर्स पूछे, और उसके बारे में हमारा बेसिकली पूछने का मकसद ये था कि जो गोरे जिन्होंने हमारे पर रूल किया, एक ब्रिटिश एम्पायर इधर बहुत अच्छा रही, और उन्होंने मुसलमान हिंदू सिख ईसाई सबको बगैर किसी मजहब के दबा के रखा। अब यहाँ पे हमने लोगों से पूछा था, उस पिक्चर का मतलब यह था, रॉयल शिमला क्लब इंडिया की पिक्चर है जिसके ऊपर लिखा हुआ था इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड इन द क्लब। ये बड़ा मशहूर मकबूला है जो गोरों के दौर से मशहूर था। यहाँ पे काफी लोगों से बात हुई, एक भाई ने तो यहाँ तक कहा, उन्होंने रेड क्लिफ जो हदबंदी कमीशन था उसको मुरीद ने इल्जाम ठहराया कि अगर वो लाइन ही सीधी खींचते तो ये मसाइल ना होते। कई लोग जज्बाती भी मिले, और कई लोग माशाल्लाह से, मैं कहना चाहूंगा अपनी कौम को काइंडली कुछ किताबें पढ़ा करें, खुदा का वास्ता इंस्टाग्राम फेसबुक से भी ऊपर दुनिया बसती है, किताबें पढ़ा करें, उसके अंदर जो लिखा हुआ है। कई लोगों ने कहा अंग्रेज बेहतर थे, मैं कहा आपके बड़े बुजुर्गों को मुगलजात बकने वाले बेहतर है और आपके हमसाए हिंदुस्तानी बुरे हैं। तो फिर आपको पता है एक हेट्रेड पैदा की गई है, इस जो है ना नफरत की दीवार को हमने कम करना है ताकि हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड हो, और ट्रेड से हर बंदे का घर अच्छा चलेगा। कैमरा मैन मुगीस साहिद के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राणा को उठो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।